पेवेटी पापा, गॉड पेवेटी पापा, गॉड पेवेटी पापा ही मिलेगा, ठीक है। उल्टा गालियां दिया करो इनको, ऐसे अच्छा प्रयोग हो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। भाई प्रो जोकर को कुछ तो रिप्लाई दो। अच्छा वो नाली का कीड़ा जो है, सॉरी सुनो मैं बता दो, देखो तुम रिप्लाई दोगे उनको, क्या चाहिए उनको, चाहिए व्यूज। तुम रिप्लाई दोगे, वो अगले उसी उसी रिप्लाई में कुछ ना कुछ गलत बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, ठीक है, और वीडियो बना के अपना डाल देंगे। उनको गॉड पेवेटी पापा के नाम पे व्यूज आ रहे हैं, ठीक है, क्या चाहिए उनको, व्यूज चाहिए ना, तो उनको रिप्लाई देना क्यों है बे। अब तुम किसी नाली के कीड़े को, वो बार बार तुमको परेशान कर रहे, तो तुम उसको इग्नोर करो ना, सिंपल है भाई। उल्टा गालियां दिया करो भाई, साफ दिखता है भाई, चैनल पे जाके खोल के देख लो, गॉड पेवेटी पापा, गॉड पेवेटी पापा, गॉड पेवेटी पापा ही मिलेगा, ठीक है। उल्टा गालियां दिया करो इनको, ऐसे अच्छा प्रयोग हो। गाली खाने लायक लोग हैं ये, और इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, एक नंबर के वो हैं ये, छोड़ो क्या बोले हम, अरे पिंक आई क्यों आ रहे भाई। तो इग्नोर करना ही इज बेटर ऑप्शन देन रिप्लाई, क्योंकि रिप्लाई दोगे उसको दोबारा भूख लगेगी, वो दोबारा कुछ ना कुछ बनाएगा, तो सबसे बढ़िया है रिप्लाई की जगह गालियां दो, दैट्स इनफ, इतना बहुत है उनके लिए। उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको उनको वैसे गालियां भी दोगे ना तो भी उनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इज्जत होगी किसी की, उसके पास इज्जत होगी ना तो वो सोचेगा यार मुझे गालियां पड़ रही हैं, यार नहीं भाई मैं ऐसे काम नहीं कर सकता। तुम गालियां दोगे ना वो कहेगा अरे कोई बात नहीं मेरी इज्जत ही नहीं है, देते रहो, तो अलग सीन है गाइस थोड़े समझो। और रिप्लाई भी उन चीजों पे देना जिन चीजों पे वो झूठ बोल रहे हैं, समझ रहे हो, तो उन चीजों पे कोई रिप्लाई देने का सवाल ही नहीं उठता भाई। नाली के कीड़े हैं तो उनको नाली के कीड़े ही रहने दो, सर पे मत चढ़ाओ। खत्म है उनका, आने वाला कोई करियर नहीं है उनके आने वाले टाइम में, समझ रहे हो, उनका करियर बस ये ऐसी वीडियो बनाते बनाते चलेगा, ठीक है, बाकी करियर डेड है उनका।